तो देखते हैं गाइस, अब हमारे पास कितने आए आयरन। तो 43, इसमें 13, ठीक है, इसमें 40। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक द अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। यस गाइस, आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। और आप लोग बोल रहे होंगे, यार आप यहाँ पर कैसे आ गए यार, अब पिछले एपिसोड में तो आपने घर थे यार। तो गाइस, ये दूसरा मैप है और हम यहाँ पर क्रिएटिविटी करने वाले हैं। और आज हम बनाने वाले यार आयरन फार्म, जो कि वर्क करेगा बेडरॉक एडिशन में, पॉकेट एडिशन में, और एमसीपी जो भी एडिशन होगा यार, मोबाइल का वर्जन का, विंडोज 10 एडिशन, तो उसमें ये सारा वर्क करने वाला है 100%, मतलब गारंटी नहीं है यार। तो आप मेरे वर्ल्ड में जाके देख सकते हो, यहाँ पर वो परफेक्ट काम कर रहा है, तो इसमें भी परफेक्ट काम करेगा। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ये गड्ढा बन गया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। 10 विलेजर से काम चलने का, यहाँ पर काम होने वाला है। निकल यहाँ से, तू बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर। दो वाटर बकेट ले लो यार, दो वाटर बकेट लगने वाली है, स्मूथ स्टोन लगने वाले है, कुछ कुछ ऑक्स ओक बटन लगने वाले। आप कौन से भी बटन ले सकते हो और कौन से भी स्टोन ले सकते हो, ऐसे कुछ कोई बात नहीं है। आप स्टोन ब्रिक्स भी ले सकते हो। तो ओक फेंस लगने वाली है, यहाँ पर भी कौन से फेंस ले सकते हो। ग्लास ले, ग्लास मस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। और लावा बकेट लगने वाली है, लीव्स लगने वाले है, चेस लगने वाली है, और एक माइन कार्ट, हॉपर, रेड टॉर्च, और ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है। तो मैं यहाँ से ये दो चीज़ें यहाँ पर लेने वाला हूँ और हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इसको 3x3 के अराउंड करना है। इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ ना मैं। तो 3x3 का एक सर्कल बनाना है गाइस आप लोगों को, इसे करके। तो आप इसको ज़्यादा ऊपर बनाओ, मैं इसको 7 ब्लॉक ऊपर ले जाने वाला हूँ। तो 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे 7 ब्लॉक अब ऊपर कर दो इसको, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से ऊपर कर देने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख रहे हो, ये ऐसा दिखेगा कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको फिल करना है, ये जो गड्ढे थे ना, इनको फिल करना है आपको, और एक स्क्वायर तैयार करना है, जो भी जो कि होगा 3x3 का, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें 7 ब्लॉक इस तरफ, 7 ब्लॉक उस तरफ, 7 ब्लॉक इस तरफ, और 7 ब्लॉक इस तरफ, ऐसे एक 7 ब्लॉक का वो करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर कर दो। फिर इसको यहाँ पर करना है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा गाइस, देख रहे हो, ये इस तरह दिखेगा। तो इसको फील करना है, इसके कॉर्नर को आप यहाँ से कैचअप कर सकते हो और इसको फील कर दो बस। ये ऐसा पूरा करना है हमें, ये पूरे चारों साइड में ऐसा करना है। तो गाइस, ये आप सभी लोगों को ऐसा दिखेगा अभी, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 बटन्स ऐसे, एक बटन यहाँ पर और 3 बटन फिर से ऐसे, और यहाँ पर एक बटन। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। हमें चाहिए कुछ टॉर्चेस, नीचे लगा दो। लाइट अप करना मस्त ज़रूरी है यार, नहीं तो आपके नीचे में यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेस्टे ले लो और हॉपर ले लो। तो दो रो को यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर मैं ग्लास लगाने वाला हूँ। तो ये दो रो मैंने यहाँ पर निकाल दिए, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ग्लास, ठीक है। अब हमें जाना है नीचे की ओर, ओके। तो यहाँ पर मैं एक रास्ता बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको डिग डाउन करना पड़ेगा। इसको आप ओपन कर लो सिंपली तरीके से, और यहाँ पर आपको लगानी है चेस्ट, ठीक है। तो चेस्ट को यहाँ पर लगा दो, और एक हॉपर इसके ऊपर, इसको अटैच करके लगाना, ठीक है। आप क्राउच हो जाओ और इसके ऊपर टैप कर दो क्राउच हॉपर को, तो ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ।
है ऐसा करना है हमें, तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिग डाउन करने वाला हूँ। ओके तो इसको भी आप कनेक्ट कर लो इससे, ठीक है। करना क्या है, इसके ऊपर भी यहाँ पर एक एक चेस्ट रख दो और इससे एक हॉपर कनेक्ट कर देना है, और इस हॉपर को इससे कनेक्ट और इस हॉपर इसको इससे कनेक्ट। देख रहे हो ये सारा, इनके सारे मुंह है ना इस चेस्ट के ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप सारे का सारा यहाँ पर कर देना, इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दो, बस बस इतना ही काम था यहाँ पर। तो मैं थोड़ी सी डर्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी है, क्योंकि ये लगेंगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पर गिरेंगी ना तो अपनी सारी चेस्ट में जाने वाली है, तो ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं ऊपर की तरफ, और हमें करना है यहाँ पर लास्ट वाले ब्लॉक को, मतलब कॉर्नर वाले ब्लॉक को एक डर्ट से लगा दो, टेम्प्रेरी एयर ब्लॉक है, और ये इसको हटा दो फिर। तो आपको ये 2 फीट ऊपर करना है इससे करके चारों साइड में गाइस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके तो ये हमने 2 हाइट ऊपर कर दिया है फिर से, और ये 7 ब्लॉक, मतलब ये इसको लेकर 8 ब्लॉक है, और ये 9वें ब्लॉक पर होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको चाहिए होगी पानी की बकेट, तो यहाँ पर मैं पानी की बकेट उठा ले रहा हूँ और चलते ऊपर की तरफ। तो आपको यहाँ पर 2 पानी की बकेट लगने वाली है गाइस, तो मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पर बनाया, और इसको मैं यहाँ पर ग्लास से ढकने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना गाइस, ये वीडियो पूरी देखना, यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत और आपका सारा का सारा काम चला जाएगा यहाँ पर। तो इसको डालो, इसको डालो, मतलब ये 2 पानी से आपका इन्फिनाइट वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको रखो और इसके ऊपर पानी को डालो, बस चारों साइड में यही करना है आपको। इसको रखो और इसके ऊपर पानी डाल दो, तो भी रखो और इसके ऊपर पानी डाल दो। तो ये सब होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको भरना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। पहले सेंटर से लेना है गाइस, बस ऐसा ही करना है आप लोगों को, बस ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर। तो आपको ये सारी जगह फिल करनी है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये फाइनली अब ऐसे दिख रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पर कॉर्नर से डालना है, पर एक बात ध्यान रखें गाइस, आप ये सेंटर में पानी डालने के अलावा यहाँ पर पूरी जगह पानी डालेंगे ना तो ये पानी सीधा नीचे जाएगा और यहाँ पर सेंटर वाला बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सीधी सीधी कॉर्नर कॉर्नर से डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, और इसको आपको 3 हाइट तक ऊँचा रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 हाइट के ऊपर रख दिया, आपको यहाँ पर एक 3x3 का नहीं बोल सकते यार, इसके ऊपर जो भी जितना भी है ना ये रख दो, ठीक है। आपको ये पूरा कवर करना है गाइस, ठीक है। ये इतनी जितने भी ना यहाँ पर इसके ऊपर ठीक बनना चाहिए, देख रहे हो, देख रहे हो, ये यहाँ पर बनेगा ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे बेड लगाने, लिटरली आपको दिखाता हूँ मैं कितने सारे बेड लगने वाले हैं, पर मैं आपको पहले ये कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये कंप्लीट कर दो पहले, ठीक है। ये करने के बाद आपको चाहिए बेड्स, वो भी बहुत सारे बेड्स चाहिए आपको, लगभग 20 के ऊपर चाहिए बेड्स, ठीक है। तो टारगेट मैंने सेट नहीं किया था कितने बेड लगेंगे कितने नहीं, पर मैंने यहाँ पर 20 के ऊपर बेड लगाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक लाइन में 7 बेड लगने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं 7 बेड, ठीक है। यहाँ पर बेड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर
यहाँ पर आने के बाद ये डर्ट को यहाँ पर लगा दो, आपका इन्फिनेट वाटर बंद हो जाएगा यहाँ पर। और आपको यहाँ पर एक पानी की बकेट डालनी सिर्फ, और इसको ऊपर कर लेना है लगभग 4 ब्लॉक तक। ठीक है, ठीक है, ये 4 ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये देख रहे हो, ऐसा करना है आप लोगों को। तो मैं एक ऊपर भी लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो साइन बोर्ड की ज़रूरत लगने वाली है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से भी साइन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इनको रख देता हूँ मैं। और हमें लगने वाला एक लावा बकेट, सिर्फ एक ही लगने वाला गाइस, एक ही बकेट लावा बकेट लगेगा आपको। तो चलते यार इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, आप लोगों को ऐसे लगाना है यहाँ पर। बस ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर सेंटर में इसके ऊपर आप लोगों को मार दिख रहा है, इसके ऊपर लावा बकेट डाल देनी है, जो कि ये फैलेगा और यहाँ पर ही रुकेगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, बस इतना ही काम था अपना लावा बकेट का। तो इसको मैं यहाँ पर रख देने वाला हूँ, तलवार और विलेजर्स को लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ओक लीव्स भी लेने वाला हूँ। तो ओक लीव्स को हम यहाँ पर यूज़ क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई आयरन गोलम स्पॉन ना हो इसलिए। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये चारों साइड में यहाँ पर लगा दो गाइस। इसके ऊपर मत लगाओ, ठीक है, बस इतना ही काम था इसका भी। और ठीक है, मैं रेल ले लेता हूँ यहाँ पर, और रेल कार्ड भी ले लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको विलेजर को थोड़ा सा ट्रैप करके रखना है। ठीक है, तो मैं एक विलेजर को यहाँ पर ट्रैप करके रखने वाला हूँ अभी। इसके नीचे एक रेल लगा दो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एक विलेजर ट्रैप करके रखा है और यहाँ पर मैंने रेल लगाई है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर रेल लगा दी मैंने। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रेल कार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर रेल कार्ट भी लगने वाले आप लोगों को 10, वो भी, और एक से भी काम कर सकते हैं आप, इसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर रेल कार्ट को रख दो बस ऐसे करके, और इसको आगे खिसका दो तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा चला जाएगा ये ऊपर में। तो यहाँ पर रुकने के बाद आप लोगों को ऊपर आना है, इसको बंद करना है और इसको निकाल के इसको यहाँ पर नीचे भेजना है। चल बे, चल चल, नखरे मत कर। तो ऐसे कर देना है गाइस, बस इतना ही काम है आप लोगों को, इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे 10 विलेजर लाने, वर्किंग, वो भी यार वर्किंग विलेजर आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं बनेगा गाइस। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डालने वाला हूँ 10 विलेजर। और आपको एडल्ट नहीं चाहिए, ठीक है, एडल्ट वाले कोई भी नहीं चाहिए, सब काम करने वाले चाहिए। तो देख रहे हो, ये काम करने वाला है, ये भी काम करने वाले है। तो यहाँ पर 2 एडल्ट है, तो मैं इनको यहाँ पर निकालने वाला हूँ। ये नहीं, सॉरी, ये वाला। ठीक है, अब 4 हमारे पास विलेजर है, वो भी वर्किंग वाले। तो ऐसे ही हमें 10 डालने गाइस। यहाँ पर आपको 10 विलेजर चाहिए, तो इनको मैं यहाँ पर बंद करने वाला हूँ। ओके, इनको बंद करने के बाद यहाँ पर इनके वर्किंग स्टेशन लगाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर फ्लेचर ही लगाओ, क्योंकि गाइस ये रात में भी काम करते हैं फ्लेचर से। तो आपको ये भी 10 लगाने हैं, और मेक श्योर ये लाइट अप हो जाए। देख रहे हो, ऐसे लाइट अप होना चाहिए। ये 10 लगाने आप लोगों को। तो यहाँ पर 2 लगाने वाला हूँ मैं, और यहाँ पर 4 लगाने वाला हूँ। ठीक है, इस साइड में 4 लगा देता हूँ मैं। आप लोगों को क्या करना है, एक ब्लॉक इसके ऊपर लगा दो और इसको एक्सटेंड कर दो। ये टेम्प्ररी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेड्स लगाने पड़ेंगे।
ठीक है, ऐसा करना है आप लोगों को, और ये सारे डर्ट को फिर से निकाल दो। ये टेम्प्रेरी ब्लॉक थे गाइस, इसलिए मैंने डर्ट का यूज़ किया। तो यहाँ पर देख रहे हो कैट्स भी स्पॉन होना शुरू हो गई है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रिंग भी मिलेंगी इसकी वजह से। देख रहे हो, मेक श्योर आपके सारे विलेजर यहाँ पर फ्लेचर में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आटी मैंने यहाँ पर रखे तो हमें दो और लगाने पड़ेंगे, तो दो मैं सामने की ओर लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस ये सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, और ये सारे के सारे कन्वर्ट होने चाहिए फ्लेचर में। यस, तो ये फ्लेचर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, बस अब वेट करना हमें। गाइस देख रहे हो, यहाँ पर आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो गए, और ये मरेंगे यार, देख रहे हो। तो देख रहे हो यहाँ पर आयरन आने शुरू हो गए। तो गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, बस यहाँ पर ऊपर में हॉपर लगा दिए इसको कनेक्ट करके। और जब तक तो एक आयरन गोलम यहाँ पर डेड नहीं हो जाता है, तब तक दूसरा आयरन गोलम यहाँ पर स्पॉन नहीं होगा। तो मेक श्योर आपके आयरन गोलम यहाँ पर मरने चाहिए, नहीं तो आप उनको मार दो। ठीक है, तो बेड के ऊपर तो ये स्पॉन होने वाले नहीं है, और हमने यहाँ पर ग्रास लगा दी तो यहाँ पर भी स्पॉन होने वाले नहीं है, और विलेजर के ऊपर ये तो स्पॉन हो ही नहीं सकते, लिटरली हो ही नहीं सकते। देख रहे हो यहाँ पर स्पॉन होना शुरू हो गए। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कितने मिलते हैं, 15 मिनट। तो देखते हैं गाइस अब हमारे पास कितने आए आयरन। तो 43, इसमें 13, ठीक है इसमें 14। तो गाइस यहाँ पर लगभग हमारे पास 1.5 स्टैक आ चुका है, वो भी 15 मिनट में। देख रहे हो गाइस कितना इफिशियंट है। तो यही इफिशियंट फार्म आप बना सकते हो। मेरी अपनी खुद की भी यार वीडियोस है, अपना खुद का एक वर्ल्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। और हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं यार, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बेल आइकन पे टैप करना मत भूलना हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।